भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा स्तर पर मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के निर्देशन में आज 2 मार्च को कोसीगला में कमल संदेश बाइक रैली निकाली गई। आज पूरे भारत में विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जगह जगह कमल संदेश बाइक रैली निकाली जा रही है। छाता क्षेत्र में कोसीगला में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और जिला पंचायत सदस्य नरदेव चौधरी के निर्देशन में कोसीगला में एक कमल संदेश बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में करीब 800 से 1000 के लगभग कमल संदेश बाइक रैली में बाइकों का इस्तेमाल किया गया। हर जगह एक ही नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी की। इस रैली में विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली का शुभारंभ किया। इसी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस रैली को बहुत ही शांति के साथ निकालना है और भारत माता की जय के गुणगान गाने हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और वहीं पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारत माता की जय बोलते हुए, नरेंद्र मोदी की जय बोलते हुए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप सब और कोई भी कार्यकर्ता बीच में रुकेगा नहीं। जहां से प्रारंभ हो रही है वहां से फिर कोसीगला में ही अंत होना है। सभी कार्यकर्ताओं को इसमें रहना है, ये सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है। आप सबसे बहुत बहुत आप सबका हृदय से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर संगठन के प्रोग्राम चलते हैं। आज पूरे देश में बाइक रैली है और इस बाइक रैली के द्वारा कमल संदेश हमको देना है। आदरणीय मोदी जी जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता 2014 से भी बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और आज यहाँ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप लोग और हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी राणा जी, हमारे उपाध्यक्ष तरुण सेठ जी, भीमसेन शर्मा जी, नरदेव चौधरी जी, ये सब के सब ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का असंख्य हुजूम हजारों की तादाद में आज आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आतुर है।